दिल्ली एनसीआर में सवेरे से ही रुक रुक के बारिश का सिलसिला चल रहा है और इसी के चलते कई जगहों से वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट भी आई है। इस वक्त मैं सेक्टर 76 की आम्रपाली सिलिकॉन सोसाइटी में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ का बेसमेंट एरिया में कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। मेरा पैर गंदे मिट्टी के पानी में इस वक्त है और अभी तो बारिश थम गई है तब यहाँ पर ये हाल है। तो हम सोच सकते हैं कि सुबह जब झमाझम बारिश हो रही थी तब इस बेसमेंट की गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। लोगों का कहना है कि सवेरे के समय ये गाड़ियाँ पूरे पहिए तक पानी में डूबी हुई थी और अपनी गाड़ी अपने घरों से निकलकर अपनी गाड़ी तक जाने बड़ा मुश्किल था। कुछ रेजिडेंट ऐसी साइड के जो उनके बारे में बात करना चाहते हैं। सर आप बताइए कि हर मानसून सीजन में क्या ऐसे ही वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है? अपनी समस्या ऐसी रहती है, सुबह सुबह इनफैक्ट मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने के आया था तो मेरे बच्चे का सारा जितना भी शूज़ है उसका सारा मेरा शूज़ सब कुछ भीग गया था। हम अगर अपनी गाड़ी को हम पार करते हैं, गाड़ी अगर हम लेने के लिए भी आते हैं फिर वही प्रॉब्लम सेम रहती है। पूरी कपड़े गंदे हो आते हैं, हमें पता भी नहीं होता कहाँ सीवर खुला है क्या खुला हुआ है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो समस्या है क्या ये ड्रेनेज के चक्कर में है या फिर कुछ अभी इस साल ऐसा हुआ है या हर बार की समस्या भी है? ये चीज़ें बनती हैं उनको फिर उसको अगर चीज़ें कुछ खराब होती है उसको बनाते नहीं है फिर सही है तो प्रॉब्लम बढ़ती आ रही है। आप देखिए ना सारे पाइप से लीकेज हो रहा है पानी, हर तरह से पानी बह रहा है कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। प्रॉब्लम कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि बिल्डर्स दावे तो कई करते हैं पर जब हकीकत ऐसे मानसून के समय जब ये बिल्डिंग चूने लगती है तब वाकई इन बिल्डर्स और इन बिल्डिंग में जो सामान लगा है उसकी हकीकत सामने आती है। नैनिका सिंगल, दिल्ली आज तक।